हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरिफ आरिफ इमाम फ्रॉम ओवरसीज मेडिकल रिसर्च डॉट कॉम। आज हम लोग अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में हैं और आज हमारा एक ग्रुप जो है वो यूक्रेन के लिए रवाना हो रहा है 31 मई से पहले। और हमारे साथ आज बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके पेरेंट्स हैं। आइए हम उनसे डिस्कस करते हैं कि उनकी जर्नी रही हमारे साथ, जो कम्प्लीटली एडमिशन प्रोसेस रहा वो क्या था, मतलब कि वो अच्छा रहा, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। आइए हम उनके साथ शेयर करते हैं। तो आज हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं सबसे पहले आगे आ जाऊँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रिचा है। आप कहाँ से? मैं सिवान से हूँ। सिवान से आप हैं? आप जी? मैं सूरज कुमार सिंह, सिवान से। सिवान से जी। तो सूरज, आपका जो जर्नी रहा जी, कंप्लीट जर्नी आप थोड़ा बताएंगे हमारे यूट्यूब के जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली पहले हम लोगों ने जॉर्जिया के लिए अप्लाई किया था न्यू बिजन यूनिवर्सिटी में, बट वहाँ पे जो डिपोर्टेशन इशू वगैरह हुई उसके बाद उन लोगों ने आईलेट्स को इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो हम लोगों ने आईलेट्स के लिए स्लॉट देखा तो 12 मई का स्लॉट आया, और जिसकी रिजल्ट में भी 26 मई तक आती। तो उसके बाद हम लोगों का वीज़ा वगैरह का प्रोसेस नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोगों को 31 मई से पहले जाना था, क्योंकि हम लोगों ने नीट अप्लाई नहीं किया था। तो इसलिए हम लोगों ने आपसे कंसल्ट किया कि हम लोग के लिए और बेटर ऑप्शंस कौन सा है। तो आपने यूक्रेन सजेस्ट किया, जिसमें हम लोगों ने खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ किया, जिसको हम लोगों ने नेट पर देखा था। तो उसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है जॉर्जियन यूनिवर्सिटी से, और 18005 की यूनिवर्सिटी है। और आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और विश आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नीचे आप अपने कुछ बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने भी पहले जॉर्जिया के लिए अप्लाई किया था, फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे, फिर आइल्स का लगा दिया, फिर उसका डेट बहुत आगे जा रहा था, तो उसमें एडमिशन में शायद प्रॉब्लम आ सकती थी। तो फिर आपसे कंसल्ट किया बेटर ऑप्शन के लिए, और फिर आपने खारकिव नेशनल यूनिवर्सिटी यूक्रेन बताया, जो कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो जो मैंने आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट किया, खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये क्या यूनिवर्सिटी आपने खुद से सर्च किया, खुद से आपने इसके बारे में पता किया? और जो चीज़ें हमने बताई थी कि वो रियल में वो सही साबित हुई? हाँ, आपने जो बताया था वो सब कुछ सही साबित हुआ। आज आपको छोड़ने के लिए आपके पापा आए हैं, आइए आपके पापा से हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे सर? मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी जी, हाँ, एबीएस कॉलेज लालगंज वैशाली। लालगंज कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं? यस, जूलॉजी डिपार्टमेंट एंड रेजिडेंट ऑफ सिवान डिस्ट्रिक्ट। ओके सर। सर आप ये बताइए कि आपका जो मतलब कि बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, और आज अपनी बेटी को आप भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, अपने से काफ़ी दूर भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सर मन में थोड़ा सा, मतलब कि बेटी है तो लड़की है बाहर जा रही, थोड़ा सा तो मन में एक हेजिटेशन होता है, एक डर होता है। तो सर आप हमारे थ्रू भेज रहे हैं, तो क्या मतलब कि आप कैसा फील कर रहे हैं अभी? देखिए, हमने सर्च किया बहुत सारे कंसल्टेंसी को, यूट्यूब पर भी सर्च किया, देखा, सब देखने के बाद आप चूँकि पटना में थे, पटना हमसे नज़दीक है, मैं फिजिकली आपके ऑफिस आया, आपसे मिला, आपसे जो बातें हुई, आपने जो बताया हमको इस संदर्भ में, वो फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इसके लिए, इसके चलते हम आपसे जुड़े, और मैंने तय किया कि आपके माध्यम से, क्योंकि मुझे बच्ची को भेजनी है, तय किया कि आपके माध्यम से हमारी बच्ची जाएगी। और फ्रॉम वेरी बिगनिंग आज मेरी बच्ची जा रही है, बड़ी खुशी है। इस पीरियड में आपका जो सर्विस रहा वो काफ़ी सराहनीय है, और मेरी शुभकामना है कि और जिन लोगों को बच्चों को भेजना चाहिए ज़रूर, खास करके बिहार से, उनको आपके माध्यम से निश्चित रूप से भेजना चाहिए। और ये हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, इस आधार पर मैं ये ऐसा महसूस करता हूँ कि ये हम लोगों का रिश्ता जो है ये आगे तक भी रहेगा, और आगे भी हमारे बच्चों का भविष्य ठीक रहेगा, और आप हर हमेशा कोऑपरेट करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको काफ़ी बधाई देता हूं कि आप आगे भी इसी रफ्तार से काम करते रहें, और बच्चों को अच्छा करियर बनाने में सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सूरज के पापा हैं सर, अपने बारे में आप कुछ बताएंगे? अमरन नारायण सिंह, मेरा घर हुआ परौली, थाना बसंतपुर, जिला सिवान। आपके क्रियाकलाप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और आगे कामना करता हूँ कि आप हमें सहयोग करेंगे, और आपका सहयोग हम लोग भी करेंगे। तो
तो थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे हमारे ग्रुप जो आज खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जा रही है, और थैंक यू वेरी मच।